एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए व्लॉग में। तो आज तारीख है 13 दिसंबर 2020। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, अब बिहार निकल रहा हूँ एक्चुअली। भाई आज तो जो मुझे पास के चौराहे तक छोड़ने के लिए जा रहे हैं, आज मेरा जो दिन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं जो हूँ हिच हाइक करने वाला हूँ। अभी सिटी की बाहर जा रहा हूँ, मतलब कि जहाँ कोलकाता वाला हाईवे है, फिर देखते हैं वहाँ से ट्राई करेंगे। फिलहाल तो मैं आ चुका हूँ कोलकाता वाले हाईवे पर, थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ और वहाँ से देखता हूँ लिफ्ट का कुछ होता है या नहीं। अभी क्या है कि 10:30 हुई है और अब तक लिफ्ट नहीं मिली है, तो देखते हैं कितना वक्त मुझे लग जाता है लिफ्ट लेने में। और पहुँचना है मुझे आज औरंगाबाद लिफ्ट लेके, तो आज हिचहाइक का पॉसिबल करते हैं। काफ़ी दिनों बाद, मैं काफ़ी महीनों बाद हिचहाइक कर रहा हूँ, महीनों बाद तो नहीं क्योंकि उत्तराखंड में की थी अभी हिचहाइक, तो चलिए अभी देखते हैं। भाई साहब चश्मा लगा के भी कोई भाव नहीं दे रहा है मुझे इस वक्त, कोई फ़ायदा नहीं इस चश्मे का। तो अभी देखते हैं कितना टाइम मुझे लग जाता है यहाँ से लिफ्ट लेने में, और धूप बहुत तेज़ी से लगती है सही में। आप तो कोशिश पूरी रहेगी, हार नहीं माननी है, आज लिफ्ट लेकर रहनी है, चाहे 20-30 किलोमीटर के लिए ही क्यों ना मिले। पहले यहाँ से औरंगाबाद है 155 किलोमीटर, टाइम तो भाई यहाँ से 3-3.5 घंटे दिखा रहा था, बट ट्रक से जाऊँगा तो 5-6 घंटे लगेंगे। 10-15 मिनट वेट करता हूँ और फिर देखता हूँ, अगर नहीं मिल गया तो किसी पेट्रोल पंप पे जाता हूँ आगे, वहाँ से ट्राई करेंगे। औरंगाबाद जा रही है, औरंगाबाद वो दिलाल भाई जो है औरंगाबाद के लिए भाई साहब ने लिफ्ट दे दी है। क्या नाम है भैया आपका? बबलू सिंह। बबलू सिंह आप कहाँ से हुए थे? नहीं मैं बनारस से। तो भाई ये बबलू सिंह बनारस से है, और आपका नाम क्या है? विक्रम सिंह। विक्रम सिंह कहाँ से हो आप? यहीं से। आप भी बनारस से? देखिए आप औरंगाबाद ही छोड़ोगे मुझे? ज़्यादा मैं रहा हूँ कलकत्ता। अच्छा अच्छा कलकत्ता जा रहे हैं, आगे कोलकाता के लिए फिर बात में ट्राई करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग जो है बिहार में एंटर हो चुके हैं, यूपी को हम बोल चुके हैं हल्दी तक। कौन सा गांव था ये? कौन सा गांव था? नौबतपुर। नौबतपुर यहाँ से औरंगाबाद अभी 140 किलोमीटर और दिखा रहा था मैंने मैप पर, देख रहा था 130 या 140 के बीच में टाइम लगेगा, कम से कम 3-4 घंटे इतना लग जाएगा भैया। फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं औरंगाबाद, मतलब मैं यहाँ पर उतर जाऊंगा। तो भाई मैं भूल गया आपका नाम। विक्रम सिंह। विक्रम सिंह और भाई बबलू, इनका तो मुझे याद है। तो भाई थैंक यू सो मच आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल आप यहाँ पर उतर जा रहे हैं।
अभी फिलहाल जो मेरा एक दोस्त है, मतलब एक मेरा कलीग है, तो वो यहाँ पर अभी मुझे पिक करने के लिए आ रहा है। वो उस जगह पर छोड़ देगा जहाँ पर मेरा उसने स्टे का इंतज़ाम करा रखा है। फिर मिलते हैं आपको सीधा उसी एक हॉस्टल में, एक बेड वाली जगह में, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। चलिए चलते हैं। एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और नए वीकेंड की भी। लास्ट टाइम मैंने व्लॉग जो एंड किया था वो औरंगाबाद में ही किया था और मैं अभी भी औरंगाबाद में ही हूँ। तो पिछले एक हफ्ते से यहाँ पर रुका हुआ था और रुकवाने का इंतज़ाम जो था वो मेरे मित्र वो ज्योति ने किया था। ये है ज्योति। तो इनको शायद आपने मेरी फ़ोटोज़ वगैरह में, इंस्टाग्राम की फ़ोटोज़ में भी देखा होगा। तो हम लोग साथ में काम करते थे, तो वहीं से ही हमारी दोस्ती हुई और मेरा शायद पहला प्रोजेक्ट था जब नोएडा में मैंने ज्वाइन किया था। तो उसके बाद अभी फ़िलहाल तो अपने होम टाउन रह रहे हैं। इनका होम टाउन है औरंगाबाद। इन्होंने मेरा स्टे यहाँ पर करवाया। ये है कावेरी गेस्ट हाउस, यहाँ पर मैं रुका हुआ था। तो यार थैंक यू सो मच भाई, दिल से याद करते हैं भाई। सो भाई जो एस्पिरेंट है वो है IAS एस्पिरेंट, तो यार आप इनके लिए भी प्रे कीजिए और भाई जल्दी से जल्दी इनका एग्ज़ाम निकले। मैं तो भाई दुआ करता हूँ और भाई एक दिन देखूँगा तुझे IAS बनता हुआ। औरंगाबाद के मैं आउटर में रह रहा था और ये पीछे एक गांव भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे गांव में मैंने देखा है कि दो घर जो है वो कच्चा हाउसेज आपको दिख रहे हैं। आपको पता ही है कि दिस इज़ बिहार, यहाँ पर कई सारे ऐसे हाउसेज भी देखने को मिल सकते हैं। खाने का अगर बताऊँ तो यार खाने का बड़ा पंगा है यहाँ पर, उतना हाइजीनिक खाना नहीं मिलेगा आपको, हाइजीनिक प्लेस भी नहीं मिलेगा। तो फिलहाल आज चलते हैं, यहाँ की बसेस देखते हैं, यहाँ से मैं सीधा जाऊँगा बोधगया, बोधगया को एक्सप्लोर करूँगा। तो ऑन द वे मैं आपको लोगों से मिलवाऊँगा, रास्ता दिखाऊँगा और साथ ही साथ बस जो होती है बस की सर्विस भी देखेंगे कि कैसी है बिहार के अंदर। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ। और भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत ज़्यादा मेहनत से वीडियोज़ बना रहा हूँ। फिलहाल तो यहाँ से ज्योति मुझे छोड़ेंगे बस स्टैंड और आपको मिलूंगा। पहले घर जा रहे हो? अच्छा, पहले हम लोग घर जा रहे हैं ज्योति के और फिर वहाँ से छोड़ेंगे ज्योति मुझे बस स्टैंड। तो वहाँ से आज मैं बिहार ट्रांसपोर्ट का आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस कराऊंगा कि और एक्चुअल में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है ये भी मैं देखूँगा। अच्छा लगेगा क्या? मुझे लग रहा है।